बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुशोखुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। समन अब्बास के दोस्त साकिब के तमाम राज बेनकाब। समन का दोस्त साकिब आखिर समन के गायब होने के 2 हफ्ते तक कहाँ पर रहा, साकिब कहाँ पर छुपा बैठा हुआ है और इटली की पुलिस ने क्यों समन अब्बास की तलाश का सिलसिला रोक दिया, क्यों उसको तलाश नहीं किया जा रहा, होंगे तमाम राज फाश साकिब के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। आपको लगता है कि आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे। बात करेंगे आज समन अब्बास केस के हवाले से, जो रोज़ बरोज़ जो है एक मिस्ट्री बनता जा रहा है। समन अब्बास को अभी तक जो है ना तलाश किया गया, ना समन अब्बास की लाश को तलाश किया जा सका। समन अब्बास जो है अपने वालिदैन को मनाने की आखिरी कोशिश करने, उसको लगता था कि वो शायद अपने वालिदैन को मना लेगी, क्योंकि वालिदैन तो कभी भी अपने बच्चों के साथ इस हद तक बुरा सलूक नहीं कर सकते जो सलूक वालिदैन ने समन के साथ कर दिया। तो वो, उसको लगता था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में उम्मीद थी कि मैं वापस जाऊंगी और मैं अपने वालिदैन को मना लूंगी। वो घर वापस आई, घर वालों का खौफ तो ज़रूर था लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई और वो वापस अपने घर गई और वहाँ पर उसने रहना शुरू कर दिया। साकिब और समन जो है उन्होंने शादी करने का फ़ैसला कर लिया था और साकिब की जानिब से कहा गया कि हमें बहुत यकीन था कि इटालियन सिस्टम जो है वो हमारी मदद करेगा और हमें प्रोटेक्शन देगा। हम सिस्टम में जो है उस चीज़ में कुछ शराइत ऐसे थी जिनको पूरा नहीं किया जा सका। शादी के इंतज़ामात के लिए हमें समन के जो है वो शनाख्ती कार्ड, कुछ कागजात, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसके वालिदैन के पास थी, उसकी ज़रूरत थी। तो अब बात यह है कि डेफिनेटली जब उसने मांगी थी वो सारी चीज़ें तो उसके वालिदैन ने कहा था कि वो सारी खो गई हैं, गुम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से समन ने ये फ़ैसला किया था कि वो शेर के मुंह में जाएगी, उस गुफा में जाएगी, उस गार में जाएगी और जाकर अपनी चीज़ें जो है वो निकाल के ले आएगी और अपने वालिदैन को मनाने की भी कोशिश करेगी। समन जो है उसको कोई और रास्ता नहीं दिखा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्कआउट करने की कोशिश की कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आया। अब जब ये वहाँ पर वापस गई है अपनी तमाम तर दस्तावेजात लेने के लिए, माँ बाप को मनाने की कोशिश करने के लिए, तो साकिब की जानिब से कहा जाता है कि हमें पता था कि जब समन वापस अपने घर में जाएगी तो उस पर बेपनाह जो हैं रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, उसके वालिदैन उस पर सख्ती भी करेंगे, उसका फ़ोन भी ले लिया जाएगा, उस पर नज़र भी रखी जाएगी, क्योंकि एकदम उसके वालिदैन के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था। ये दोनों इस चीज़ को समझते थे। तो समन ने सोचा कि मैं प्यार से अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करूंगी और अगर वो नहीं समझते तो मेरे पास आखिरी हरबा यही होगा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है साकिब के पास आ जाऊँगी। अच्छा जी, ये भी ये लोग जानते थे क्योंकि समन को बहुत पहले से ये लोग मार रहे हैं, इस वजह से नहीं कि वो साकिब से शादी करना चाहती है। समन पर इससे पहले भी वो दबाव डाल रहे थे कि हर हाल में तुमने वहां पर शादी करनी है जहां पर हम चाहते हैं। ये पाकिस्तान लेकर गए थे समन को, वहां पर जाकर इन्होंने उसकी मांग नहीं कर दी थी। अब कहने का मकसद ये है कि समन बहुत अच्छे से जानती थी कि अब जब भी मुझे पाकिस्तान लेकर जाएंगे तो अब मंगनी नहीं, निकाह नहीं, बल्कि मेरी शादी करके मुझे वहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे। और पाकिस्तानी पुलिस का तो आप सबको पता है, हम सबको बहुत भरोसा है पाकिस्तानी पुलिस पे कि पाकिस्तानी पुलिस डेफिनेटली इस पर कोई स्टेप नहीं उठाएगी अगर वालिदैन जो है उसकी शादी कर देते हैं और जो भी उसके साथ वहाँ पर कुछ किया जा सकता है। इसलिए इसकी कोशिश थी कि ये इटली से बाहर जाए ना। जब पिछले साल दिसंबर में इसका वालिद इसको लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा कि टिकट बुक करवाई हुई है, समन को साथ लेके जाना है, तो इसका दिमाग खनका कि यार मुझे लेकर जा रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा गेम होगा, मेरी शादी ना कर दें। तो इसने ऑब्जेक्शन की थी और ये चली गई थी, इसने जो है इनकार कर दिया था जाने से। अब देख लें कि साकिब की जानिब से कहा जाता है कि ये सब कुछ जानते हुए कि उसको मारा भी गया, मारा भी जाएगा, पीटा भी जाएगा, समन जो है कमाल की दलेर लड़की थी, वो बहुत बहादुर थी और वो कहता है कि समन के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेमायनी हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी के लम्हे कैसे गुजारूं। मैंने और समन ने बहुत ख्वाब देखे थे, हम लोगों ने जो है बहुत ही खूबसूरत शादी का जोड़ा, हमारी जो साकिब की वालदा है पाकिस्तान से उन्होंने भिजवाया था, बहुत ही खूबसूरत किस्म का जोड़ा, एक रिंग भी थी
तो ये लोग बड़े खुश थे, बस एक चीज़ की कमी थी और वो चीज़ थी जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी सारी तैयारियां शादी की मुकम्मल हो चुकी थी। देखिए जी, हर लड़की की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि वो ज़िंदगी जो है उसको सुकून वाली ज़िंदगी पसंद है। जब समर ने वो सुकून अपनी फैमिली में नहीं देखा, हर वक्त लड़ना, हर वक्त मारना पीटना और उसका पढ़ाई भी छुड़ा दी, तो वो यही चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी जो है उससे जिससे शादी करे वो एक खूबसूरत ज़िंदगी हो। उससे ज़्यादा इसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उसके वालिदैन ने, उसके ज़ालिम वालिदैन ने उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। उसने ज़िंदगी से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी और वो है एक खूबसूरत सा रिश्ता, जो कि उसको मिल चुका था। बस कुछ टाइम की देर ही थी और वो दोनों इस सारे तमाशे से बहुत दूर चले जाते, लेकिन ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया। वो साकिब की जानिब से कहा गया है कि मेरी ज़िंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि मैं समन को तलाश करना चाहता हूँ और इसके लिए इंसाफ का हसूल है। अप्रैल तक साकिब ने कहा कि वो एक शानदार किस्म की ज़िंदगी जो है गुजार रहा था, वो अपना मुस्तकबिल समन के साथ देख चुका था, वो दोनों जो है हर चीज़ प्लान कर चुके थे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ होनी है। लेकिन अचानक से समन गायब हो गई, उसके बाद उसके सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए और साकिब की जानिब से कहा गया कि वो शदीद ट्रॉमा में चला गया, शदीद जो है ज़हनी सदमे का शिकार हो चुका है। साकिब की जानिब से कहा गया कि 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में रहा क्योंकि वो इतना डिप्रेस हो चुका है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने जो है पुलिस से राबता किया, मीडिया से राबता किया और अब उसको बार बार यही चीज़ सताई जा रही है कि समन कहीं पर जिंदा है और वो उसको मदद के लिए पुकार रही है। साकिब ये कहता है कि मुझे लगता है वो लौट आएगी। साकिब ने अपना ये पॉइंट जो है इटालियन पुलिस के सामने रखा भी था, वो वहाँ पर रहता है, डेफ़िनेटली वो खुल के उनके खिलाफ तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हम तो कर सकते हैं, हम ये बात जानते हैं कि इटली की पुलिस जो है उसने शायद दिखाया, ये उनका ज़्यादा फोकस ये है कि वो पाकिस्तान को गंदा करें, उनका फोकस ये है कि वो इस्लाम को गंदा करें, वो बस ये दिखाने में लगे हुए हैं कि यार पाकिस्तानी किस कदर बुरे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, अपनी बेटियों के साथ इतना जुल्म करते हैं, इतना बुरा करते हैं, अगर उनकी बेटियां शादी नहीं करना चाहती उनकी मर्ज़ी से तो उनको मार दिया जाता है। और इस्लाम को आपको पता है इस्लामोफोबिया के नाम से पूरे के पूरे यूरोप में बहुत बड़ी जो है इनकी तरफ से ये चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया हर तरफ फैला रहे, तो ये ज़्यादा चीज़ें इन्होंने फोकस इसलिए किया। अब देखिए, उन्होंने समन को ढूंढने की कोशिश की, 55 डेज उन्होंने लगाए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि उन एंगल्स से काम नहीं किया गया जिन एंगल्स से इटली की पुलिस को करना चाहिए था। इटली की पुलिस कोई आम पुलिस नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस से भी गया गुजरा काम किया, उसको ढूंढते रहे, कभी कुत्ते ले आए, कभी आसार कदीमा से जो है लोगों को बुला लिया, कभी जो है किसी मुल्क के कुत्ते आ रहे हैं, कभी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, दिखाया उन्होंने सब कुछ, हर चीज़ दिखाई। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ इस केस में पाकिस्तानियों को नीचा दिखाना था और मुसलमानों को नीचा दिखाना था, जिसकी वजह से आज तक समन की बॉडी नहीं मिल पाई। इन्होंने बताया इन्होंने ऐसे ऐसे कुत्ते इस्तेमाल किए हैं जो कि बॉडी अगर नीचे हो उसकी बदबू से जो है पहचान सकते हैं कि इस जगह पर कोई हड्डियां हैं, इस जगह पर कुछ टेक्नोलॉजी उनसे ज़्यादा किसके पास होगी। लेकिन हर चीज़ इस्तेमाल करने के बाद वो समन की तलाश का सिलसिला जो है अब रोक दिया गया, बेसुध है। और दूसरी बात जो मुझे बड़ी तकलीफ़ देती है कि पूरी यूरोप की पुलिस जो है लगी हुई है, वो पकड़कर समन के चचा को नहीं ढूंढ पाई, समन के कज़न को नहीं ढूंढ पाई, उसके बाद समन के वालिदैन को नहीं ढूंढ पाए, फिर जो समन का कज़न इस वक्त इनके पास है उससे ये लोग कुछ उगलवा नहीं सके। तो ये सारी चीज़ें किस तरह इशारा करती हैं, डेफिनेटली हम लोग बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत बुरे लोग हैं, बहुत ज़ालिम हैं और इनकी तफ्तीश जो है वो अब रुक चुकी है। इन्होंने कहा कि हमने इतने दिन तफ्तीश कर ली, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जो कि इटली की पुलिस की जानिब से दिखाई गई, लेकिन इस पर बात करने वाला कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, मकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस ज़राए का कहना है कि समन की तलाश जो है इस वजह से रोक दी गई है क्योंकि जिस इलाके में ये समन की लाश ढूंढ रहे थे अब उस जगह पर कोई ऐसी जगह बची ही नहीं है जहां पर उन्होंने समन को नहीं तलाश किया। यही एक पॉइंट है जो साकिब को बार बार मजबूर कर रहा है ये सोचने पर कि समन कहीं पर ज़िंदा है और उसको मदद के लिए पुकार रही है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब आप देख लें ना, ये उसको उसकी डेड बॉडी को अभी तक ढूंढ पाए हैं, ना ये उसके जो है माँ बाप को ढूंढ पाए हैं, ना कज़न,
कोई भी इनके पास नहीं, कि बस कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इस केस को कौन देखेगा। ना समन को ये लोग तलाश कर पाएंगे, ना उसके कातिलों को। अगर इनको बॉडी नहीं मिल रही तो इनको चाहिए कि यार उसके वालिदैन को पकड़ें, उसके कज़न को पकड़ें, उसके चचा को पकड़ें, ताकि उनको फेंटी मार के पूछा जा सके कि एग्जैक्टली उन्होंने समन के साथ क्या किया है। समन की बॉडी तो इस वजह से ढूंढी जा रही है कि समन के 16 साल भाई ने, नालायक भाई ने जो है पुलिस को बता दिया कि समन को चाचा ने मार दिया, चाचा ने ये बात कही है। अब ये पूरी मिस्ट्री है, एक बच्चे के एक स्टेटमेंट के ऊपर इन लोगों ने ये चीज सोच ली है कि समन को मार दिया गया है। अभी सच बिल्कुल भी नहीं पता, आया समन कहीं पर जिंदा है या उसको जेन्युइनली मार दिया गया है, ये तो तभी पता चल सकेगा जबकि समन के वालिदैन इनके पास नहीं आ जाते। साकिब कहता है कि साकिब को ये बात जो है ना हौसला दिलाती है कि समन कहीं ना कहीं जिंदा है, उसको ज़बरदस्ती रखा गया है। साकिब ने कहा कि मेरी सांसें जब तक चल रही हैं मैं समन की तलाश का सिलसिला जारी रखूंगा और इंशाल्लाह ताला समन को ढूंढ के ही रहूंगा। और कहता है कि जी जो मेरे साथ और समन के साथ हुआ, मैं यहाँ पर किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। हम भी साकिब की इस काविश के लिए दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं कि जी समन अल्लाह ताला उसको जो है जहाँ पर भी है उसको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, क्योंकि जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं उससे ऐसा ही लगता है कि समन कहीं ना कहीं ज़िंदा है और समन जो है इमदाद की, मदद की किसी ना किसी तरह से पुकार रही है, क्योंकि जो हम लोग ने सबूत देखे हैं उसके मुताबिक तो कहीं से डेड बॉडी नहीं मिली। आप लोग भी दुआ करिएगा। और आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन को इतना ज़ालिम नहीं होना चाहिए। हम उस दौर में नहीं है जहाँ पर पकड़कर आप अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से उठाएं, बिठाएं, चलाएं, खिलाएं, पिलाएं, ऐसा नहीं है। बच्चों की अपनी सोच है, हर इंसान की अपनी सोच है। समन अगर किसी से शादी करना चाहती थी तो आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपने उसके साथ इतना बुरा सलूक करके उसको कहीं पर मार फेंका है या उसको कहीं पर छुपा दिया है। आप इन जैसे लोग होते हैं जो किसी भी रिश्ते को हलाल रिश्ता नहीं बनने देते। अगर इसके पेरेंट्स उसकी शादी कर देते, निकाह कर देते, डेफिनेटली सिनेरियो बहुत अलग होता। आप क्या कर रहे हैं, ये जो वालिदैन बीच में आ जाते हैं कि हम नहीं शादी करना चाहते अपने बच्चों की, कहीं आप बच्चों को इस चीज़ के लिए उकसा रहे हैं कि नेक काम ना करो, अच्छा काम ना करो, हलाल काम ना करो, गंद में जाके मुंह मारो, तो फिर बाद में आप लोगों को शिकवा नहीं करना चाहिए। निकाह को आम करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और बच्चों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।